हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आइए पहले हम परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के बारे में जानें। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। उदाहरणतः हाइड्रोजन के लिए Z 1 के बराबर है, Z is equal to 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z 6 के बराबर है, Z is equal to 6। आइए अब हम आगे बढ़कर देखें कि द्रव्यमान संख्या मास नंबर क्या होता है। व्यावहारिक रूप में एक परमाणु के नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के कारण होता है। क्योंकि ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या मास नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक इसी तरह एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27U है, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन एवं 14 न्यूट्रॉन हैं। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन को इस तरह लिखा जाता है। लेकिन क्या सभी तत्वों के सारे परमाणुओं की समान परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या होती है? जी नहीं, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु के 3 परमाणुक स्पीशीज होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन सभी की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। क्या आप इसके कोई और उदाहरण जानते हैं? कार्बन 12 और कार्बन 14 तथा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 इस तरह के कुछ अन्य उदाहरण हैं। इन परमाणुक स्पीशीज का एक खास नाम है, इन्हें हम समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। बहुत से तत्वों के समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यदि किसी तत्व को प्रकृति में समस्थानियों के रूप में पाया जाता है जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान हम क्या मानेंगे? आइए इसका पता लगाएं। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें
प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। उदाहरण के लिए क्लोरीन का औसत द्रव्यमान हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 होगा। क्या आप एक और रोचक बात जानना चाहते हैं? आइए, दो तत्व जैसे कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार करते हैं। इन दोनों के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। दूसरे शब्दों में, तत्वों के इस जोड़े में न्यूक्लियोनों की संख्या समान है। ऐसे अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक आइसोबार्स कहलाते हैं। इस वीडियो में हमने परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का अध्ययन किया।